ये जो स्क्रीन के ऊपर तुम लोग एक डॉट दिख रहा है लाल रंग का, क्या तुम लोग पहचान के बता सकते हो क्या होगा? तो पता है तुम लोग नहीं बता पाओगे, क्योंकि मैं बस ऐसे ही कैमरा कर रहा था, मतलब लाल डॉट कौन सा है। एनीवे, सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। थैंक, कैसे हो आप सभी लोग? होपफुली भाई सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सो आज के इस एपिसोड में मैं सब सोचा था कि क्यों ना हम लोग रैप्टर को टेम करें, बिकॉज देखो हम लोग रेडवुड में सर्वाइव कर रहे हैं और यहाँ पे मेरे को लगता है मेरे को रैप्टर की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो मैं ऐसा सोचा था क्यों ना हम लोग रैप्टर को टेम करें, क्योंकि पिछले एपिसोड में मैंने पूछ भी लिया था कि हम लोग को करना क्या, रैप्टर टेम करें कि नहीं, कैसे करें। तो मैंने वहाँ पे पूछा था कि हम लोग बाहर ये इतना देर क्यों स्टॉप करता है पता नहीं यहाँ पे। रुको मैं एक काम करता हूँ ना, ये रुको हो गया, मैं एक काम करता हूँ पहले रिसोर्स बाहर लेके जाता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे लैग मारता रहता है। मैं बार बार कौन अंदर इतना लैग में आएगा, तो पहले रुको मैं सारी चीज़ ट्रांसफर कर लेता हूँ। और मैंने पिछले बार ही पूछ लिया था कि मैं क्या करूँ, तो बंदे बोले कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर रेडवुड में माउंटेन है, वहाँ पर मिल जाता है। वो माउंटेन मेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे को नहीं पता कि माउंटेन पे होते कि नहीं, बट बंदे बोले कि होते। अब वो अगर हुए तो फिर काफ़ी सही, एनीवे तो फिर हम लोग को बाहर जाना पड़ेगा। और हाँ, उसके बीच हम लोग बात कर लेते हैं आज के हमारे जॉइंट मेंबर की। सो आज के जो हमारे जॉइंट मेंबर है वो एक ड्रागो गमित। सो देखो नेम मैंने थोड़ा सा गलत लिया होगा, तो डोंट माइंड। थैंक यू सो मच ब्रो फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ मिथिक गेमिंग एंड यू शॉट आउट टू गमित। सो गाइज, इनके चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार जाके जरूर से चेकआउट करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक और लाइक शेयर सब्सक्राइब सारी चीज़ें करना, बिकॉज ये भी जो है अपने आर्क मोबाइल की वीडियोस डालते रहते, तो आप चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ ये फ्री फायर वगैरह और माइनक्राफ्ट की डालते, तो आप लोग इंटरेस्टेड प्लीज़ चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो लाइक शेयर सब्सक्राइब सारी चीज़ें कर देना, ठीक है? ओके। बाकी अभी मैं सबसे पहले तो भाई पत्थर कलेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज सीन ऐसा है कि मुझे रैप्टर को टेम करना है। तो हाँ, मेरे पास भाई पत्थर बहुत ज़्यादा कम है, तो इसलिए मेरे को इसके लिए रुको पहले कलेक्ट कर ही लेता हूँ। वो क्या बोलते हैं इसको, गुलेल के लिए मैं स्लिंग शॉट में पत्थर नहीं थे, तो मैं बोला थोड़े कलेक्ट कर लूँ। तो अभी एक सेकंड रुको, माँ क्या डराता का कोई भी तू? ए यार, ये मेरे को क्यों आते रहता है मेरे को नहीं पता। मैं वर्ल्ड डिलीट भी नहीं करता, सीधा दूसरा रिस्टोर करता हूँ फाइल। तो भाई ये पता नहीं है बार बार मेरे को सिखाने वाली चीज़ें क्यों आती रहती है, ये एक अलग ही चीज़ है। और हाँ, अगर किसी बंदे को प्रॉब्लम हो रहा हो कि वर्ल्ड्स को स्विच कैसे किया जाता है, यानी मैं अपनी सोलो सीरीज़ भी कैसे कंटिन्यू रख पा रहा हूँ, ये भी रख पा रहा हूँ, तो इस टॉपिक पे वाइपर ने वीडियो बना दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, याद से चेकआउट कर लेना, ठीक है? रुको भाई, ट्रैंक एरो कहाँ पे गए मेरे? ओके, मेरी इन्वेंट्री में, सॉरी, मैं वही ढूंढ रहा हूँ ट्रैंक एरो कहाँ गए। बात में पता है यही सीन होता है, चीज़ें याद नहीं रहती। तो मैं कह रहा था कि उसने वीडियो बना दी है, चेकआउट कर लेना, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, बहुत बार बोली है मैंने 22, ठीक है? तो अभी सीन कैसा है कि मैं थोड़े से ट्रैंक एरो ले लिया, बट अगर उससे काम ना बना तो थोड़े पत्थर भी ले लेता हूँ, क्योंकि सीन नहीं होना चाहिए। रुको, मैं पहले पानी पी के आ जाता हूँ, क्योंकि प्यास का एक अलग ही सीन है। इसके लिए मैं कांच की बड़ी जार बॉटल बनाने वाला हूँ, रुको, बट अभी शायद वो खुली नहीं होगी, मे बी, पता नहीं। रुको, पहले इसको मैं भर लेता हूँ, रुको, वेरी गुड। ओके, तो अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से भाई रैप्टर टेम करने को। जाने से पहले हम लोग कुछ मेटल का सामान, भाई एक सेकंड, ये बेफालतू का कुछ जल रहा है, हेलो नहीं, वैसे इसके कोल तो बन गए। तो मैं कह रहा था हम लोग कुछ मेटल का, एक सेकंड मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले पाइक को देख लेता हूँ, क्योंकि भाई रैप्टर मेरे पे हावी हो जाएंगे, पाइक बहुत काम आएगा मेरे को। लेकिन पाइक का क्या, ओके खुल तो रहा है, वेरी गुड। और इसको क्या लगता है बनाने को? ओ भाई इसको रुको, मेटल लगते हैं, मेरे पास चार कम पड़े साइड में, चलो कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, अभी मेरे पास वो तो है नहीं, तो ऐसे ही हम लोग बच लेंगे कैसे कैसे। अरे बंदे मेरे को बोले रेडवुड माउंटेन पे जाना है। देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अगर हमें रेडवुड माउंटेन में वो नहीं मिले, पहली चीज़ मेरे को रेडवुड माउंटेन ढूंढना पड़ेगा, वो मेरे को नहीं पता, बट माउंटेन है तो ऊंचाई पे ही जाना होगा। तो देखते हैं, अभी मिल गया तो काफ़ी सही है, और वहाँ पे अगर नहीं मिले तो फिर बाहर जाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि भाई यहाँ पे मेरे को रैप्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई। ऐसी चीज़ें आके पीछे से मार के चले आते हैं सब लोग, तो रैप्टर मेरे को चाहिए किसी हाल में। रुको, अरे ऊपर की साइड ही है ना माउंटेन, मतलब ऊपर की साइड ही होगा, तो ऊपर ही जाते रहते, देखते रुको, मे भी कहीं मिल जाए मेरे को। अभी मेरे को लोकेशन देख लेनी चाहिए थी वैसे पहले, बट वैसे ओ एक सेकंड, क्या वो माउंटेन है क्या? ये वो रेडवुड के बाहर लग रहा है, लेकिन तो मेरे को देखने दो, मैं एक बार किसी का वीडियो देख लेता भाई, बहुत सही हो जाता भाई। ये जगह मेरे को किसी हालत में भाई माउंटेन तो नहीं लग रही भाई, लग तो नहीं रहा है। एक सेकंड, किससे लड़ रहे भाई लोग? ओ भाई रेक्स, भाई रेक्स मर जाएगा भाई, दो ब्राउन तो यार पागल लोग, एक सेकंड पे हंसेंगे भाई। अनएजुकेटेड डायनासोर, इन्हीं को कहते हैं भाई अनएजुकेटेड डायनासोर। माँ कसम, सॉरी यार, नॉट अनएजुकेटेड एट ऑल, पता है भाई बुरा मान गया वो, मेरे को फीलिंग नहीं है भाई। मेरे आंखों के सामने तीन चार रैप्टर, बट मैं एक को भी टेम नहीं कर सकता भाई, उनको एक को भी मारूंगा और सारे पीछे पड़ जाएंगे। रहने दो भाई, उस टिगो को मारने में व्यस्त है, उनको पंगा नहीं लेना। नीचे यहाँ पे ये नहीं हो सकते, क्योंकि रैप्टर वैसे ही माउंटेन पे दिखते हैं, तो नीचे तो होंगे नहीं, बट गिर गया तो कह नहीं सकते, क्योंकि खाई काफ़ी थी ना यहाँ पे, सिर्फ ग्राउंड। ए भाई यहाँ पे और रैप्टर नहीं है क्या वैसे? हाँ रेडवुड भाई, मैं उनको नहीं कर सकता टेम, कैसे मुश्किल है, क्योंकि एक को मारूंगा सारे पीछे पड़ेंगे। वैसे मेरे पास सात डेथ्स है, बट ठीक है, अभी
छह भी हो गई तो क्या ही फर्क पड़ता है, छह तो फिर भी आए। वैसे कहाँ चले गए लोग, यहीं पे थे। बाकी तुम देखो ये कहाँ से आ गए भाई, एक सेकेंड काफी सही, रुको एक अकेला है ना, बस इसका लेवल ठीक ठाक हो तो काफी सही होगा। रुको पकड़े, ओके 30 लेवल है इसका। रुको मैं इसको अनकॉन्शियस कर देता हूँ, फिर देखते इसका क्या करता है। सॉरी यार मेरे को तेरे को मारना नहीं था, हेलो बेचारा भाई मेरे मुँह में कुछ ज़्यादा ही पावर थी, सॉरी भाई मेरे इंटेंशन ही नहीं थे तेरे को मारने के, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे और एक रैप्टर दिखा है, वैसे मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ, वो देखो सामने दिख रहा होगा तुम लोग को। ओए मुन्ना इधर आ जा बेटा आ जा। रुको इसको अभी डर नहीं, क्योंकि मैं पहले घुमा रहता हूँ, चलो वो पीछे पड़े आते गोल घूम के बोला ए अभी 30 ही लग गया। कोई नहीं रुको मैं इसको अभी अनकॉन्शियस कर देता हूँ, मैं इसको अभी इससे स्लिंग शॉट से कर रहा हूँ भाई, मेरे को थोड़ा डर है अभी से। रुको इसको थोड़े हेड शॉट दे दो, मैं पीछे जाता हूँ क्योंकि भाई इसका भी मेरे को डर लग रहा है छूट जाते, ये अगर छूट गया तो मेरे ऐसी शामत निकल जाएगी। क्योंकि रैप्टर्स का प्रॉब्लम ये कि ये लोग भाई आंग चढ़ के दबोच लेते हैं, बहुत हल जाएगी, मेरे को दूरी रहने दो इससे, लगना भाई लगता भी नहीं जल्दी। अनकॉन्शियस भी हो जा भाई, कितना देर लेगा, हो जा भाई। ए पैरासोल क्यों भाग रहा है वैसे, रैक्स नहीं रुको, ओए इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ भाई, उधर नहीं इधर आ इधर आ, पीछे पीछे मौके से। मैं मजाक की बात नहीं यार, अब भी टेम किया मैं राप्टर को भाई, तू कहा जा। वैसे मैं स्पीड है मेरे को डर नहीं, बट यहाँ पे ब्रांटो, मेरे को ब्रांटो के पैरों के बीच से जाना है, ब्रांटो किधर गए। रुको आजा भाई आजा, तू पीछा नहीं छोड़ना, तू रैप्टर एक सिंह इधर भी रैप्टर मारा है माँ कसम। ए भाई 100 लेवल का रैप्टर किसने मारा, आई थिंक ये उन चारों में से तो नहीं था, मैं भाग लेता अभी कुछ नहीं, उसको हार्वेस्ट करते बैठेगा मेरा काम हो जाएगा। ये पीछे आ रहा है क्या, उसके फुट की आवाज़ आ रहा था, कोई बात नहीं रुको, हम लोग स्पीड ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं भाई। क्या फटी तुम लोग को पता नहीं भाई, दिल बीच में ऐसे चीर दिया किसी ने, ऐसा लगा साक्षात डेविड जॉन्स दिख गया था आंखों के सामने, माँ कसम भाई मतलब गया मेरा रैप्टर, और मैं तो फिर बच जाता है, रैप्टर नहीं बचता। सही वैसे रैप्टर टेम ये ऐसे अनकॉन्शियस रैप्टर को तो नहीं मारेंगे ना, क्योंकि दोस्त होते हैं, पता नहीं अभी, वरना ऐसा ना हो कि भाई अनकॉन्शियस रैप्टर को रैप्टर्स मारे, ये चीज़ मेरे को पता नहीं एक्चुअली, तो कुछ कह नहीं सकते। रुको यहाँ पे और रैप्टर है क्या, मैं और एक को पकड़ना चाहूँगा, ये मैं दो रैप्टर तो एटलीस्ट टेम कर लें, मेरे को दूसरा नहीं है क्या पे, क्योंकि हाई लेवल का चाहिए, अरे 30 लेवल से कुछ नहीं होगा वैसे ही, बट ठीक है अभी क्या कर सकते, पहले इसको टेम कर लेते, फिर एक काम करते गाइस वापस ट्राई करते अगर और एक कोई, क्योंकि देखो मैं 3 से 4 रैप्टर देखे थे, एक मर गया, 2 गायब है, इसको मैंने ये कर लिया नहीं एक, हाँ बराबर, और एक वहाँ पे भी मरा, तो शायद ऐसा हो सकता है कि उनमें से एक वहाँ पे, यहाँ पे जो एक मरा था अभी, आई थिंक रेक्स ने हार्वेस्ट कर लिया होगा अब तक, बाकी यहाँ पे कोई और रैप्टर तो है नहीं, कोई लग तो नहीं रहा है पे, और देखो एंकी पिंकी घूम रहा है, एंकी की हेल्थ वैसे कम थी, रेक्स से पंगा लिया होगा पता नहीं, वैसे रेक्स से पंगा लेता तो पूरा लफड़ा ही लेते वैसे। हाँ यहाँ पे सब चीली थे तो यहाँ पे रैप्टर तो होगा नहीं, एक काम कर लेते हम लोग, ये जो अभी मैं अनकॉन्शियस किया उसी को पहले कर लेता हूँ, उसके बाद देखते, वैसे मेरे को बिल्कुल प्यास लगी है, मैं क्या इसके गले की नहीं पानी का, मैं क्या करूँ फिर जॉब छोड़ दूँ। यहाँ पे कोई दूसरा भाई मेरे को हाई लेवल का तो छोड़ो, रैप्टर ही नहीं दिख रहा, यहाँ पे 3-4 थे पता नहीं कहाँ चले गए सब, मेरे को हाई लेवल का टेम करना दिख नहीं रहा, मैं क्या करूँ पता नहीं, मैं आगे ढूंढता हूँ, मिले तो सही है वरना भाई एक ही रैप्टर के साथ गुजारा भाई। 30 लेवल का भाई बहुत लो है भाई, टायर बट यू आके मार देंगे उसको, वैसे ही नुकसान हो जाएगा मेरे को, अच्छे लेवल का एटलीस्ट 100 लेवल का भी होगा तो काफ़ी सही। ओ भाई ये 90, अरे अच्छे लेवल के रैप्टर ही कौन मार रहा है बे, अच्छे लेवल वाले को दम नहीं होता क्या लड़ने, एक सीन ओह माँ कसम रेक्स को किसने मार दिया, ब्रांटो मार दिया, काफ़ी सही भाई गुड जॉब, तो माँ कसम हम हार्वेस्ट करेंगे रे बाबा मस्त भाई, तो मेरे को पता ही नहीं था भाई, एक सीन मुझको नहीं लगना, हाँ सॉरी 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 मारना नहीं, अच्छा कुछ हुआ नहीं क्या, मेरे को लगा मैं पूछ पे अटैक कर दिया उसके, ऐसा आवाज़ नहीं आई थी बट मेरे को लगा, एक सिंपैची को कि कौन मार रहा है इन सबको भाई, यहाँ पे भाई गलत ही वॉर हुई है, रैप्टर मरा रेक्स मरा, यहाँ पे कोई और कोई वैसी खास रैप्टर गैंग घूम रही है क्या जिसके बारे में मेरे को पता ना हो, पता नहीं कोई बात नहीं चलो, अभी यहाँ पे और कुछ कर भी नहीं सकता, मेरे को दूसरा रैप्टर तो मिल नहीं रहा। वैसे ये एरिया में कभी ज़िंदगी में नहीं आया था, इस एरिया को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे ठीक है, बहुत जल्द एक्सप्लोर करेंगे, मैं चाहता हूँ यार मेरे पास पेट्रोडॉन हो, बट पेट्रोडॉन के लिए भाई बहुत टाइम लगा, कुछ समथिंग लाइक मेरे को 34 या 35 लेवल चाहिए तो वो एक अलग ही नखरा है, बट रुको मेरे पास एक प्राइमेट आया ना, पहले इसको प्राइमेट दे देता हूँ, पता नहीं अभी ये कितना देर लगेगा, जल्दी हो जाए, ओके 25% हुआ, ओ 50 हो गया, 75 हो गया, हो जाएगा ओके, सो फाइनली यहाँ पे हम लोग का पहला रैप्टर रेडवुड सीरीज में तो टेम हो चुका है भाई, इतनी खुशी एक से नहीं है, मैं भाई बार बार फॉल ऑल की विसल क्यों मारता हूँ पता नहीं मेरे को, क्योंकि एक काम करते हैं अभी इसका, एक काम करेगा इसको छोड़ के अभी दूसरा रैप्टर ढूंढने जाए कि हम लोग इसका सैडल बनाए, मैं सब सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम लोग इसको
बेस पे छोड़ के आए। रुको एक काम करते हैं, पहले मैं इसका सैडल खोल लेता हूँ। रैप्टर का सैडल 18 पे खुलता है, रुको रैप्टर ना। ओके सैडल तो है, इसके लिए क्या क्या लगता है देखने दो। ओके इसके फाइबर और वुड चाहिए मेरे को। फाइबर तो आराम से मिल जाएगा, पेड़ वीड तो है इधर, वुड भी आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं हम लोग इस रैप्टर का सैडल बीडल बना के इसको पहले बेस पे छोड़ के आ ही जाता हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि इसको लेके जाऊंगा वो सब इस पर अटैक करेंगे, वैसे अधमरा हो जाएगा कि मर भी जाए। ऐसा नहीं चाहता कि पहले वक्त में पेल दिया जाए इसको। रुको मैं एक काम करता, पहले वुड कलेक्ट कर लेता हूँ। पता नहीं यहाँ पे 3-4 रैप्टर थे भाई, मेरे को तभी कर लेना चाहिए था, मैं गलती की एक्चुअली, तभी कर लेता तो ज़्यादा फ़ायदा होता मेरा। रुको इतना तो अभी सफिशेंट है। पहले अभी इसको भाई इसका मैं ठिकाने लगा के आता हूँ, इस लाश को, जिंदा लाश को। एक सेकेंड, ओके तो एक सेकंड, पहले हमें अभी इसका सैडल बना लेता हूँ। ओके वहाँ के समय बस इतनी बैरिज क्यों आ जाती है भाई, सब खा लो। ये सारी चीज़ों का ना मेरे को पहले बेस पे जाके क्लियर ही कर लें लो, ये सब क्लियर करता हूँ। कुछ अपडेट भी करना है बेस पे, वो भी याद आ गया, वो देख कर प्रिजर्व बीन वगैरह का भी करके रख देता हूँ, क्योंकि मेरे को बीन वो मेरे बहुत ही सब पड़ा है तो मैं देखना पड़ेगा कोई ना। चलो हम लोग का फाइनली एक रैप्टर तो टेम हो चुका है, ना होने से बेटर है कि कुछ है हम लोग के पास, एटलीस्ट थोड़ा तो कवर कर ही लेगा ये। तो अभी इसको लेके अपन भाई, यहाँ पे मेरे को वैसे ही रैप्टर नहीं मिलने वाले, तो मैं बेस का ही देख लेता हूँ। ओके कोई नहीं, एक काम करते हैं इसको लेके बेस पे जाता हूँ, बेस पे कुछ अपडेट्स है वो भी करता हूँ, उसका तुम लोगों को दिखा भी दूंगा। तो मैं ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, वेल मैंने थोड़े बहुत अपडेट यहाँ पे फाइनली कर दिए, जिसको करते करते भाई शाम हो गई, बट फाइनली मैंने कर दिए। एक सेकंड आवाज क्यों आ रही, ये रैप्टर कहाँ से आ गए यहाँ पे अभी भाई? अबे ऊपर के रैप्टर यहाँ पे कैसे आ गए? रुको एक काम करते, इन्हीं को टीम कर लेते, बहुत अच्छा आइडिया है। और सच में एक समय पैसों को नहीं मरना चाहिए, रुको मैं बाहर जाके इनको ट्राई करता हूँ टीम को। देखो ये पता नहीं कहाँ से आ गए यहाँ पे भाई, मेरे को आइडिया ही नहीं है कोई, रैप्टर आ कैसे सकते हैं यहाँ पे हैं? वो रैप्टर कहाँ चले गए? व्हाट द हेल, ये हो क्या रहा है? एक सेकेंड, पता है उस दिन रेडवुड ही बोल रहा, टैबड भी यहाँ पे आया तो वो भी गायब हो गया। ये कोई ग्लिच है क्या कि स्पाइक बॉल से मार खा के मर गए क्या? मरने के बाद गायब क्यों, क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को, दो दिन से हो रहा है भाई। भूतिया गेम है कसम से, नहीं गाली नहीं दे रहा, भूत वाला हो, भूतिया गेम है भाई सच में। चीज़ें आके गायब हो जाती है भाई, वो भी अंधेरे में गायब होती है, वो भी टाइम शाम के वक्त आता है आई थिंक सो। पता नहीं क्या हो रहा है भाई, डर लगने लग गया अभी, पता नहीं। कोई नहीं, मैं यहाँ पे थोड़े बहुत अपडेट किया, मेरे को वही दिखाने थे। आवाज़ कहाँ से आ रही है मैंने कहा? कोई नहीं यहाँ पे एक समय बैरी बेरी भाई बैरी, मैंने पता नहीं इतने कलेक्ट, मैं फाइबर वगैरह कलेक्ट कर रहा था एक्चुअली। देखो मैं यहाँ पे प्रिजर्विंग बीन वगैरह भी लगा दिया है और थोड़े बहुत अपडेट्स भी मैंने कर दिए। तो एक सेकंड को एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग ना सिंपल वर्ड बना लेते बिकॉज भाई अभी रात हो रही है। और एक सेकंड इसको क्या है, ओके हम लोग इसके लिए हम लोग को वुड चाहिए और क्या चाहिए, और थैच फाइबर ये चाहिए, रुको थैच फाइबर और ये हरी, ओके क्योंकि भाई अभी वैसे ही रात हो रही है और ये चीज़ें मांगता रहता है। मैं पिछले बार बनाना ही भूल गया था तो मैं अभी बना लेते। रुको इसको ज़मीन पे तो लगा नहीं सकते, इधर ही मैनेज कर लेता हूँ फिलहाल। वैसे हम लोग इधर टेम्प्रेरी के लिए रहना है, ज़्यादा टाइम हम रहेंगे नहीं आते, जल्दी हम लोग एक सेकंड इसका नेम बदलते। वैसे मेरे को फास्ट ट्रैवल करना नहीं है तो नेम का भी कुछ है नहीं, पर ठीक है अभी कोई बात नहीं। ओके ठीक है, हमें फास्ट ट्रैवल नहीं करना है, मैं भी क्या करता रहा सेकंड। फाइनली ठीक ठाक सुबह तो हो गई है, मतलब ठीक है, फिर भी सिंपल बेड से काफ़ी फ़र्क पड़ा। उससे तो साला आधी रात में भूतों जैसा उठ जाता है बंदा। ऐसे बस खाना तो है, बेरीज काफ़ी हेल्प कर देती। मेरे को एक्चुअली सिकल बनाना था, रुको एक सेकंड, सिकल गया भाड़ में, वही मैंने जलाया था, वेस्ट नहीं होनी चाहिए भाई वुड वीड मेरी। वैसे वुड की कमी है नहीं, बट रुको एक सेकंड, पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये पहले 14 बेरीज जो हम लोग यहाँ पे रख देते, बाद में नाकोटिक बना लूँगा। अभी हम लोग को चाहिए पहले ये, इसको मैं अभी पहले फ्रिज में रख के आता हूँ क्योंकि भाई मेरे को उनको सेव करना है, वेस्ट नहीं होने देते, खाने की बहुत कमी है भाई यहाँ पे। ए मीट कहाँ गया मेरा? अच्छा एक सेकंड रुको, हाँ अच्छा मेरे पास मीट था ही नहीं, कोई बात नहीं फिर मैं रख लेता हूँ। वो मेरे को लगा कि मेरे पास एक्स्ट्रा मीट है, कोई बात नहीं रुको, ये सब बेकार फेंक देता और ये खा लेता पूरा। मेरे को भाई बेरीज वैसी वेस्ट नहीं करेंगे, ये पता नहीं 3 का तो मैं कब यूज़ करूँगा उनका पता नहीं मेरे को, कोई बात नहीं। अभी हम लोग क्या करते हैं, वापस निकलते हैं भाई सेकेंड रैप्टर टेम करने के लिए। तो होपफुली इस बार हम लोग सेकेंड रैप्टर को टेम कर पाए, नहीं कर पाए तो पता नहीं। रुको मैं पहले पानी पी लेता हूँ क्योंकि भाई यहाँ पे तुम कौन सा बेड लगा लो, तुम्हें भाई पानी की पहले ज़रूरत है। अब जस्ट होप सो भाई कि मेरे को एक अच्छे लेवल का रैप्टर मिल जाए तो काफ़ी, एक सेकंड पे ड्रॉप आया, काफ़ी सही होगा घर पे भाई, वैसे मिल नहीं रहे मेरे को, इसके अंदर क्या है? ओ भाई एक सेकेंड, ओ कौन कहता है कि ग्रीन ड्रॉप बेकार चीज़ें देते, मेरे को पता है मैं ही था वो बंदा जो कल तक बोल रहा था बेकार, नहीं भाई अच्छी देते हैं, काफ़ी प्रिजर्व मिल रहा है मेरे को, इसका काम हो जाएगा, मेरे को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
प्लस वो पाइपलाइन साला मैं ऊपर घर तक लेके आऊंगा। रुको अभी भाई, पानी का बहुत नखरा है, मैं रुको अभी करता हूँ वो सब, जल्दी करूंगा गाइस। उसके लिए पाइपलाइन को क्या स्टोन लगते हैं ना, मैं रुको अभी करता हूँ, टेंशन नहीं लेने का, सारी चीजें करेगा भाई। ग्रीन रॉक काफी हेल्प किया, मैं और लूटेगा, रुको या भी ये पूरा कर लूँ मैं एपिसोड पूरा, मैं ड्राफ्टर टीम कर लूँ, उसके बाद मैं ऑफलाइन में ड्रॉप लूटेगा अगर मेरे पास फ्री टाइम रहा तो, मेरे को बाकी भी काम है। और हाँ, जो लोग बोल रहे हैं कि भाई मेरे एपिसोड्स रेगुलर नहीं है, तो देखो यार सीन ये है कि पहली चीज़ तो वीडियोस आ रही है बट छोटी आ रही है कभी कभार, बिकॉज मैं बड़े एपिसोड्स रेगुलरली नहीं डाल पा रहा, बिकॉज मेरे भी थोड़े से सीन्स चल रहे हैं कोविड को लेके, तो थोड़ी बहुत ये हो रही है। मैं ट्राई कर रहा हूँ हालांकि बहुत जल्द वापस से बड़े बड़े एपिसोड रेगुलरली आएंगे, बट अभी फिलहाल के लिए मैनेज कर। एक सेकंड, वो ओह मेरे को फाइनली एक रैप्टर दिख गया, रैप्टर नहीं रैप्टर दिख गया, बट इसको ऊपर ही होना चाहिए, नीचे क्या कर रहा है वो, फसल गया क्यों, वो घूम तो देखो कैसे, उसके बाप का रेड उसको लग रहा है। अच्छा भाई होपफुली सिर्फ कि अभी अच्छे लेवल का वापस आ जाओ। ओ भाई मेरा हाथ को क्या हो रहा है, एक से भाई 20 लेवल का है वहाँ का, तो मेरा हाथ का जोर से घूम रहा था, पता है 2 मिनट और होल्ड कर बंदा उड़ने लगता है, इतना हाथ स्पीड घूमने लग गया था भाई। ये रुको इसके मैं इसको मार ही डालता हूँ भाई, 20 ही लेवल का है क्या करूँगा, उससे अच्छा मेरे पास ऑलरेडी है। हालांकि दूसरी अगर मेरे को फीमेल मिल गई तो काफ़ी सही होगा, बट अभी ठीक ही है यार। ये मेरे को जो चीज़ें सिखाने का आता है मत क्या पता है सारी चीज़ें, रुको इसके अंदर क्या, ओ सारी काम की चीज़ें, एक ट्रैंकर भी मिल गई काफ़ी सही है। चलो एक काम करते हैं, अभी मेरे वैसे एक ट्रैंकर वेस्ट हो गई थी, तो एक सेकंड मेरे को सामने रैप्टर, मेरे को नहीं पता तुम्हें दिखा कि नहीं बट मेरे को दिखा यहाँ पे, एक सेकंड रुको यहाँ पे एक रैप्टर है, मैंने अभी जस्ट इसको देखा यहाँ पे, ये रहा आ जा भाई, दिख ही नहीं रहा था, घासी कलर है इसका पूरा। ओ 220 लेवल का रैप्टर है, इसको टेम करना है, इसको टेम करना है, और इसको एरो से कर सकते हैं जिससे अभी भाई 2-4 शॉट में मरे ना से भाई, जो प्रे करो। ओके हो जा भाई, भाई किसी भी हालत में एक बार के लिए हो जा। ओके हो गया, ओ भाई 28 हेल्थ बची नहीं, रुको एक काम करना पड़ेगा, इसके इसके साइड में पहले मेरे को स्पाइक वॉल बना दो, यहाँ पे वैसे ही बहुत ज़्यादा खतरा है। रुको स्पाइक वॉल के लिए क्या, ओके देखो वुड बीड कलेक्ट करने, तो मैं फटाक से कलेक्ट करके आता हूँ, इसके बाद मेरे को स्पाइक वॉल वगैरह लगाने पड़ेंगे भाई, इतने मेहनत से 220 लेवल का मिल गया। तो भाई रेडवुड सैपलिंग का तो भाई ये तो अनलिमिटेड देने वाला पेड़ है, पता आधा घंटा टिकाता है भाई, मेरी जान गई तो भी चलेगा, लेकिन रैप्टर नहीं मरना चाहिए 220 लेवल का, पता कितनी मुश्किल हुई ढूंढने में। अब मेरे को पता आधे बंदे बोलेंगे भाई 450 करके नहीं कर सकता टीम भाई, इसको ढूंढते ढूंढते फट गई मेरी। हालांकि आगे फ्यूचर में, ये मेरे को एक बात बताओ कि हम लोग रैप्टर आर्मी बनाएंगे इसमें, तुम लोग अगर बोलो तो मैं इसमें रैप्टर आर्मी बना सकता हूँ, कोई भी लेवल का डायनो नो मैटर, रैप्टर आर्मी लेकिन मतलब कोई भी लेवल का रैप्टर नो मैटर, जैसे हम लोग रैप्टर आर्मी बनाएंगे पूरे रेडवुड में एक एपिसोड उस पर निकाल सकता हूँ मैं अगर तुम लोग बोलो तो। इतने रैप्टर टीम को लूँगा फाड़ के रख देंगे, पूरे सर्वर की वाट लगा देंगे, सर्वर मतलब पूरे वर्ल्ड की वाट लगा देंगे रेडवुड की। फिलहाल रुको मेरे को अभी थोड़े से ना ये चाहिए, एक सेकंड मेरे को लगा यहाँ पे कुछ है, मेरे को यार प्राइम मीट चाहिए थोड़े। 2000 years later. मैं प्राइम मीट का जुगाड़ करने की कोशिश कब से, एक सेकंड पानी पीने भाई, इसको कितनी प्यास लगती है यार, मैं प्राइम मीट का जुगाड़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं मिल रहा, मैं कोक प्राइम मीट लेके आ गया, दो ही थे वो भी लेके आ गए, उससे कहा नहीं भाई 2% हो रहा है, उससे अच्छा तो सेम हो रहा है, पता नहीं कुछ पे कुक प्राइमेट वर्क करता है अच्छे से कुछ पे नहीं करता है, ऐसा क्यों होता है, कोई मेरे को बता सकता है या फिर ये सिर्फ मेरा वहम है। मेरे को प्राइमेट ले यू ऐसा आवाज़ क्यों निकाल रहा था, रैप्टर बीमार है क्या, पागल गई क्या, एक काम करना मेरे को प्राइमेट लेके आने पड़ेंगे भाई, ये 2% से पता है एटलीस्ट आधा घंटा लग जाएगा, इतना देर कौन होल्ड करके रखेगा, मैं उससे मैं इसको मारूँ क्या, इसका ऐसे बेचारा मारता नहीं किसी को, बस बहुत धक्का देता है, इसके पास भी धक्का देता है, ऐसा क्यों करता है पता नहीं, माधी है क्या भाई, बच्चों के बच्चे तो है नहीं तुम्हारे पास, अंडे वैसे ही तुम्हारे अंडे किसी काम के होते हैं, मैं मेरे को ऐसा लगे मैं इसको मारते गलती की है, बट अभी ठीक है तो कर दो भाई, मैं जा रहा है ऐसे, ऐ धक्का मत दे पागल, तो दूसरा कोई ढूंढने दो, इसको मैं मार नहीं सकता क्योंकि भाई ये इसको मारूंगा भाई शेल के अंदर चला आता है तो कोई फायदा नहीं है, पेट्रोटॉन यहाँ पे है लेकिन इसको इससे मेरे को प्राइमेट नहीं मिलेगा, रुको यार मेरे को तुम मत आया करो यार, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है एक अलग, ए भाई इतने सबसे नहीं लड़ना, रुको मेरे को प्राइमेट चाहिए यार प्राइमेट, हाँ तू क्यों पीछे आ रहा है भाई, सॉरी तो मान सॉरी तो बोला ना तेरे को, नहीं मार रहा ना भाई, माफ कर दे पागल है पता है साला किसको बोलता है रे तू साला, तुम्हें नहीं पता भाई मैं किस सिचुएशन से भाग रहा हूँ, माँ कसम वापस से कभी उस जगह पे नहीं जाऊँगा कसम से भाई, तुम लोग को पता है जहाँ पे मैं रक्स हार्वेस्ट किया था, मैं सोचा वहाँ प्राइमेट मिल जाएंगे, मैं गया वहाँ पे, मैं पैरासेरेटेरियम को भी मारा, वहाँ कसम वहाँ पे 3 एलुस और थे, उसमें से एक मेरे पीछे पड़ा, 2 मेरे लेने के मूड में थे भाई, मेरे को तुम लोग को नहीं पता भाई, हाथ भाई 25 लेवल का बंदा एलुस और इतना तेज़ होता है
ड्रॉप आया, रुको मैं ड्रॉप भी लूटेगा, रुको माँ कसम यहाँ से सीधा कूद नहीं रहने दो, कूदना नहीं वैसे हड्डी पसली एक हो जाएगी भाई, वैसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी मैं, रुको वैसे डैमेज पड़ गया भाई, तुम लोग को नहीं पता भाई कितना बुरा लगा, पता है ऐसा कुछ गंदे हरकतें हो रही थी मेरे साथ, ऐसा लग रहा था लोग जबरदस्ती कर रहे थे मेरे साथ, तो भाई ड्रॉप ऐसे शरीफ का एक आता है भाई, ओ इसके अंदर ये वाह, रुको मैं भाई थैंक यू सो मच यार ड्रॉप, मैं इतना बुरा बुला बुलाया ड्रॉप को, थैंक यू सो मच ड्रॉप, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ भाई। यहाँ पे एलिस और घूम रहे कसम से बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने और एक को देखा, हालांकि वो दूर था बट भाई वो नीचे आ गया ना रैप्टर के पास, भाई मैं मर जाऊंगा भाई कसम से, मैं अभी स्पाइक वॉल नहीं लगा रहा, मैं पहले पूरा एक्सेस कर लेता हूँ, कुछ तो प्रोटेक्शन मिले एलिस और माँ कसम बहुत डेडली है यार, पीछे पड़े था तब ऐसे इतना गंदी फीलिंग आ रही थी ना, रुको पहले मेरे को बुक एक था देखो लेस नेक जैसा और एक इसके लिए, हाँ ये रहा बेटर डूड जिसका क्या ये नहीं भाई रन दो, इसके लिए सारे खोलते कौन बैठेगा वेस्ट हो जाएंगे, रन दो कोई बात नहीं, वैसे लेवल अप मिल सकता है उसमें को एक्सपी मिल जाएगी भाई, पता है ऐसा लग रहा था सारे एलिसॉर्स मिल के मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी वल्गर सी फीलिंग आ रही थी, एक मेरा ऐसे पीछे पड़ा था, दो सामने से ऐसे टेढ़े मेढ़े हो रहे थे, तो क्लिप नहीं यार मेरे पास, मैं तुम लोग को दिखा था वरना, इतना अलोन फील मेरे को हुआ ना भाई पूछो मत। 2000 years later और मैं पिता वो बच गया भाई, रन तो मेरे को नेक्स्ट टाइम ट्राई नहीं करना भाई, बहुत गंदा लगा भाई यार, पता है सीन क्या, मैं जस्ट ट्राई मतलब देखते कितना डैमेज पड़ता है, पानी में मेरे को लगा ना पड़े शायद, गंदा डैमेज पड़ा एक्चुअली, मेरा लैपटॉप वहाँ पे वो कर रहा है, वो नहीं कर रहा मतलब क्या बोलते हैं उसको, 97% तो हुआ है, तो मैं बोला कि मैं पानी के चक्कर में अनकॉन्शियस हो जाऊंगा टेम हो जाए, बट ओके नहीं हुआ अब तक, मेरे को लगा भाई मैं अनकॉन्शियस ना हो जाऊँ पानी की ये हो जाए टेम, बट मैं उसी टाइम अनकॉन्शियस मतलब पी के आते उससे अच्छा, वो कोई नहीं फाइनली रैप्टर तो टेम होने वाला है, ओके फाइनली हम लोग का रैप्टर यहाँ पे टेम हो चुका है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी कसम से भाई 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 भाई, अब इसको 305 लोग हो गया भाई, मजाक नहीं यार, इसको और पावरफुल करेगा तुम लोग देखो, रैप रैप्टे बोला पैट्रोन वेरी गुड, ए रुकना भाई टेस्ट तो करने देता, एक लेवल पे छोड़ देता है, एक्सपी बोल रहा हेल्थ पे, और रुको फियोमा पे ट्राई करेंगे, इस पर स्पेशल अटैक ट्राई करेंगे, रुको मैं आ फियोमा गलत हो रहा है भाई फियोमा भाई ए यार ये टैबलेट पे वर्क करता है क्या, अगर ये टैबलेट पे वर्क किया ना भाई माँ कसम सारी टैबलेट रेडवुड से गायब करूँगा मैं कसम से, हाउ एनीवे सो भाई बहुत हो गया भाई आज के लिए सच में, मेरे हिसाब से तो आज मैं बहुत ज़्यादा मेहनत की है, पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, बंदा तो मेरा थक ही गया, मैं भी थक गया, मेरा भाई पैरासोल भी खड़े खड़े थक गया, सब थक गया कसम से, बहुत मेहनत की एनीवे, सो आई थिंक आज के लिए तो फिर बस इतना है, और हाँ इनके लिए मुझे नेम्स प्लीज कमेंट करके बताना, हालांकि दोनों मेल है, अगर एक फीमेल भी होती ना मैं बहुत अच्छे से भाई इन पे वर्क करता, क्योंकि मेरे को रैप्टर रेडवुड में मैं परमानेंटली रखूंगा जब तक ये सीरीज खत्म नहीं होती, रैप्टर आया के लिए बहुत मेन काम करेंगे भाई, तो या सो आज के लिए तो बस इतना ही, होपफुली आज का जो एपिसोड है आप सभी को पसंद आया होगा, सो अगर आपको एपिसोड पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कर देना, एंड मेक श्योर चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब करो, मैंने ये सब कुछ लगा दिया ये भी दिखा देता हूँ इसके अंदर मैं दिखा दिया था वैसे, तो चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ अगर आपने हम लोग के डिस्कॉर्ड को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर वो पैसों के यहाँ पे रख दो क्योंकि पिछले बार रैप्टर अटैक किया था साला, मर भी ना जाए किसी दिक्कत में, और हाँ प्लीज़ ये जो है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जो कि आई थिंक आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग मेरे को फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक मिल जाएगी, मोस्टली यहाँ पे मैं जो है वीडियो के रिलेटेड जो है चीज़ें बताता रहता हूँ, वीडियो आएगी नहीं आएगी काफ़ी बार बताता रहता हूँ, तो फॉलो करना तो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी भी लिंक मिलेगी, ठीक है, तो आज के लिए तो बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तो चले गाइस तब तक के लिए गुड बाय, अभी मैं जा रहा हूँ सोने बिकॉज भाई बहुत रात हो चुकी है, ये भी वो भाई 5 स्टार नहीं करना ये बहुत तक एक सीन हुई हाँ ना नहीं कब क्यों कम रहता है तुमको बुलाऊं कि पर के बिछाऊं कदम तुम जहां जहां रखो जमीन को आसमां बनाऊं सितारों से सजाऊं